입니다. 지수 씨는 취미가 뭐예요? 지수 씨. 1번. 씨 जब भी आता है ये नाम के लिए होता है तो छेमी हॉबी इंटरेस्ट मोयो क्या है तो अब हमने ये सेलेक्ट करना है कि उसका हॉबी क्या है 저것은 제 가방이에요. 뭐 मेरा बैग है. 2번. 저기가 우리 회사예요. 3번. 저는 태국에서 왔어요. 4번. 저는 음악 듣는 것을 좋아해요. 좋아해요. 좋아한다. 음악, 뮤직. 529번 문제입니다. 한국에서 무엇을 하고 싶어요? 하고 싶어요. Created with free version for non-commercial use. 코리아에 가 가나 잡대요. 1번. 서울에 갔어요. 2번. 일을 하고 싶어요. 3번. 한국말을 배웠어요. 4번. 한국에서 살고 있어요. 530번 문제입니다. 한국에 왜 왔습니까? 1번. 일을 하려고 왔습니다. 2번. 한국 친구가 없습니다. 3번. 캄보디아에서 왔습니다. 4번. 비행기를 타려고 합니다. 531번 문제입니다. Created with free version for non-commercial use. 하려고 합니까? 내일 깔 무엇 야 하려고 합니까? 깔 야 가네. 1번. 오늘이나 내일 만납시다. 2번. 내일 회사에 일찍 오십시오. 3번. 오늘 아침에 빵을 먹었습니다. 4번. 고향 친구를 만나려고 합니다. 고향 게 어때? 홈돈. 친구. 532번 문제입니다. 동생 결혼식에 갈 때 무슨 옷을 입을 거예요? 이게 अब आ गया 동생 छोटा बहन भाई 결혼식 शादी मुसन कोश कौन से कपड़े इबल कोई आपने कौन से कपड़े पहने 1번 동생이 결혼해요 created with free version for non commercial use 한복을 입을 거예요 3번 역사책을 읽을 거예요 4번 일요일 오후 2시에 있어요. 아차, 이거는 कौन सा आया? 한복. क्या है? 한복 क्या है? 예니 코리아가 जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो क्या है? 한복. 예니 जब भी कोरिया के ट्रेडिशनल ड्रेस की बारी आएगी या बात आएगी कि आपने सालगिरह पे क्या पहना है, शादी सुलनाल चूसक. सुलनाल और चूसक जो हैं ये इनके त्यौहार हैं. यानी अगर इन पे भी वो पूछा जाता है कि यानी आपने कौन सा ड्रेस पहना है तो डेफिनेटली क्या है हनबुक 133번 문제입니다. 언제 한국에 가요? कब कोरिया जाना है? 1번 두 달 전에 왔어요. Created with free version for non-commercial use. 오후에 시장에 가요. 3번 한국에 일하러 가요. 4번 다음 달에 갈 거예요. 다음 달에 갈 거예요. Next month 가는. 아, 자, 되게 이스면, जब हम ये questions answer कर रहे होते हैं, तो जो एक चीज बड़ी important है, वो ये है कि उसने ओंजे कहा, ओदी, म्योशी, मुसुनयोई, तो ये चीज आपने जो है वो करनी है कि यार अब बात ओंजे की है ना, तो फिर ये कब की बात हो रही है? ओदी है तो कोई जगह आ रही है, म्योशी है तो टाइम आ रहा है. ठीक है ना ये चीजों को जरा वो आपका जरा देखना क्योंकि जब भी हमारे इस टाइप के ये जो छिलमुल के स्टेटमेंट वाले जो आएंगे ना हमारे क्वेश्चन इसमें दो आंसर हमारे बड़े करीब होते हैं दो तो काफी हार्ड के होते हैं ना दो बड़े करीब होते हैं जिसमें हमें
मिस्टेक भी जो ना वो होती है, लेकिन अगर आपको पता है कि उसमें ओंजे कहा जा रहा है या ओदी कहा जा रहा है या म्योशी मूसन, तो इस चीज को जो ना वो आपने करना चाहिए। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। ओदीएसओ बंदरकायो ओदीएसओ अब आ गया ना, कहां पर मिलना है, अब जगह होनी चाहिए। इबन 영화를 볼 거예요. 2번 극장 앞에서 만나요. 3번 다음 주 토요일이에요. 4번 한국 식당에서 먹어요. 535번 문제입니다. 결혼한 지 얼마나 됐어요? 결혼한 지 얼마나 됐어요? 아차, 얘 됐어요 가 맞는 해. 오게야. 지가. 레겐 इसमें टाइम पीरियड जो ना वो समझने के ऑटोमेटिक हमें खुद लगाना होता है. 결혼한 지 शादी को 얼마나 됐어요? 그때나 왔어. Created with free version for non-commercial use. 1번. 1년 됐어요. 1년 됐어요. 2번. 고향에 있어요. 3번 5만 원이에요. 4번 Created with free version for non-commercial use. 옷장 안에 있어요. 3번 침대 위에 있어요. 침대 위에 있어요. 밖에 4번 전화기 뒤에 있어요. 332번 문제입니다. 책이 어디에 있어요? 그 다음 1번 가방 앞에 있어요. 2번 가방 안에 있어요. 3번 가방 뒤에 있어요. 4번 가방 바깥에 있어요. 333번 문제입니다. 고양이가 어디에 있어요? 1번 탁자 위에 있어요. 2번 탁자 왼쪽에 있어요. Created with free version for non-commercial use. 아래에 있어요. 4번 탁자 오른쪽에 있어요. 334번 문제입니다. 책꽂이가 어디에 있어요? 아차, 책꽂이 게 어디에? बुक्स की अलमारी जो होती है, किताबों की अलमारी, ये कहाँ पे है? 1번 옷장 안에 있어요. 알마리 के अंदर है. 2번 옷장 밑에 있어요. 밑에 है. 3번 옷장 왼쪽에 있어요. 다음 तरफ है. 4번 옷장 오른쪽에 있어요. 다음 तरफ है. तो ये कहाँ पे है? 다음 तरफ. 다음 왼쪽 है ना? 왼쪽 करेंगे. 335번 문제입니다. 옷이 어디에 있어요? 1번 침대 밑에 있어요. Created with free version for non-commercial use. 침대 위에 있어요. 3번 옷장 안에 있어요. 4번 옷장 위에 있어요. 336번 문제입니다. 열쇠가 어디에 있어요? 자비가 하면요. 1번 상자 뒤에 있어요. 아차, 상자 कहा जाता है बॉक्स को, थिए कहते हैं बॉक्स के नीचे है। देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बाकी तीन ऑप्शन आ रहे होते हैं, लेकिन जो आपका सही ऑप्शन होता है वो आपको नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अगर बाकी आपको तीन आ रहे हैं तो इसका फिर जवाब वही है जो आपको नहीं आ रहा। 2번 상자 밖에 있어요. बॉक्स के बाहर है। 3번 상자 속에 있어요. 4번 상자 앞에 있어요. 앞에 क्या होता है? सामने नहीं, अपे सामने। तो ये सामने भी नहीं है ना। बेसिकली सोगे कहा जाता है सेंटर को। आपने साई पढ़ा हुआ ना। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। तो ये तीन नंबर हमारा ऑप्शन हो गया, बाकी तीनों ही नहीं थे। 337번 문제입니다. 컴퓨터가 어디에 있어요? 컴퓨터 가면 1번 책상 위에 있어요. 2번
책상 밑에 있어요. 3번 책상 옆에 있어요. 4번 책상 앞에 있어요. 338번 문제입니다. 의자가 어디에 있어요? 1번 책상 위에 있어요. 2번 책상 밑에 있어요. 3번 책상 왼쪽에 있어요. 4번 책상 오른쪽에 있어요. 339번 문제입니다. Created with free version for non-commercial use. 어디에 있습니까? 되게 아 बात 남자 की हो रही है. 남자 क्या होता है? मर्द. तो मर्द कहां पे है? मर्द बाहर है ना? वो घर के बाहर है या अंदर है? अच्छा ये चीज बड़ी जो है ना दो क्वेश्चन जो है ना वो काफी मैच करते हैं. अगर बात यानी योजा की आ जाए तो फिर आपने योजा को देखना है. 1번 집 안에 있어요. 2번 집 밖에 있어요. 밖에 बाहर है. 3번 집 위에 있어요. 4번 집 아래 있어요. 340번 문제입니다. 이 사람은 회사에 어떻게 갑니까? 이 बंदा फैक्ट्री कैसे जा रहा है? 1번 걸어서 갑니다. 2번 버스로 갑니다. 3번 택시로 갑니다. 택시에 자. 4번 자전거로 갑니다. Created with free version for non-commercial use. 문제입니다. 이 사람은 회사에 어떻게 갑니까? 1번 걸어서 갑니다. 2번 버스로 갑니다. 3번 자전거로 갑니다. 4번 택시로 갑니다. अच्छा इसमें मैंने वैसे एक चीज पूछा कि हमारी इस क्लास को वैसे कितने दिन हो गए हैं? एक महीना हो गया. क्या बताएंगे आप एक महीने में आपने अभी तक क्या जो ना इसपे क्या सीखा अभी तक? तो समझ आई है बात की? बहुत सी समझ आ चुकी है और जितना एक्सपेक्ट करते थे उससे ज्यादा सीख लिया हमने. तो इतने टाइम पीरियड में हम इंग्लिश भी नहीं सीख सके, कितनी जल्दी हमने कोरियन पे ग्रिप किया. आप कुछ अपने कमेंट्स देना चाहेंगे? शुक्र है अल्लाह का, बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह. अभी तक क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज. मेरा नाम उमर फारूक है, मैं अटक से आया हूँ. तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ सीख लिया है, यानी कि जितना हम इंग्लिश भी नहीं सीख सके जितना हमने यहाँ सीखा है. तो आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे. जी अब कहाँ से हैं, नाम आपका और कहाँ से हैं? जी मैं मुल्तान से. और सर आपका पढ़ाने का तरीका माशाल्लाह इतना अच्छा है कि एज अ फ्रेंडली जैसे फ्रेंड्स आपस में करवा रहे होते हैं. और आपने कभी ये नहीं कहा कि ये तंग नहीं हुए जितने भी क्लास में हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनसे. और माशाल्लाह तकरीबन 25-26 दिन हो गए हैं, लेकिन ये कि ठीक समझ आ रही है. कौन से हम थोड़ा सा पहले आप हम कोरियन में जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें. हाँ तीन बड़ी पहले अंजुम हासेओ आबिद इरम हागो. क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज. आप कहाँ से हैं और जो है भागलपुर से? कुछ बताएंगे कि कितने दिन हो गए हैं पढ़ते हुए? एक मंथ हो गया, 28 दिन हो गए हैं. और अलहमदा जैसे भाई ने कहा इतना जल्दी, तो एक जब स्टार्ट से इंग्लिश इंसान सीखता है तो इंग्लिश भी इतना जल्दी नहीं सीख सकता जितना हमने अलहमदिल्ला कोरियन सीखा है. आप मुतमैन है यहाँ? अलहमदिल्ला. जी बच्चे अपना नाम और कहाँ से हैं? दिलावर खान, अटक से. क्या अपनी फीलिंग्स कुछ बताएं, क्या है आपने क्या सीखा है? सर बहुत समझ आ रही है बात की? कुछ सर बहुत कुछ नहीं किया इतने दिनों में. इंग्लिश भी नहीं सीख सकता आदमी जितने दिनों में हमने ये कोरियन सीखा. कुछ बताएं जी अपना नाम और आप यहाँ पे कैसे आए हैं? वाजिद इकबाल नाम है मेरा. और मैंने यूट्यूब सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे इस अकेडमी के बारे में मालूम हुआ. लेकिन हकीकत ये है कि शुरू में थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था, डाउट था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी. क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज. तरीके से कर सकते हैं जो मेरे कजन है इसके साथ हम शेयर करते हैं तो काफी कुछ सीखा है हमने.
बहुत मुतमैन है। मोहम्मद जुफान नाम है मेरा, इमरान खान से आया हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मियाँ आबद साहब और बहुत कुछ सीखे हैं हम से। मैं बारह के हूँ इस्लामाबाद से। तो सर मियाँ आबिद साहब के बारे में सुना था, जैसा सुना वैसा ही पाया। हमने रीडिंग राइटिंग तकरीबन ऑलमोस्ट इजी हो गया, हम चीज पढ़ भी लेते हैं, अब हम लिसनिंग में तो कोरियन ऑलमोस्ट तकरीबन हम सीख चुके हैं सारी। तो अब जो है ना इसको इम्प्रूवमेंट में आए हुए हैं इंशाल्लाह। अगर चाह तो इंशाल्लाह पास होंगे अच्छे मार्क्स। आप कहाँ से हैं थोड़ा सा लाउडली? मेरा नाम बिलाल है, मैं टेक्सास से हूँ और मैंने क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। काफ़ी कुछ सीख का हूँ, एक मंथ हो चुका है। और सबसे इजी वे कोरियन सीखने का एक यही इंस्टीट्यूट है पूरे पिंडी इस्लामाबाद में। थैंक यू। मेरा नाम उस्मान नवाज है और मैं हरिपुर से हूँ। माशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट का माहौल बहुत अच्छा है। तो मेरे भी यहाँ पे 20 से 22 दिन हुए हैं मतलब क्लास लेते हुए, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ फुल। तो आप साहब को इंशाल्लाह पढ़ाने का मौलू हमारे साथ बहुत फ्रेंडली अच्छा है, तो बहुत मेहनत करते हैं और हम सब यहाँ पर मुतमैन है। मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वो लाजमी पी के इंस्टीट्यूट को विज़िट करें इंशाल्लाह। वो खुद आकर देखने के मॉल है, बहुत अच्छा मॉल इंशाल्लाह, मायूस नहीं होंगे। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पी के इंस्टीट्यूट में जब शुरू में आया तो भाई ने बताया, तो जैसा भी बताया उससे इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर सर ने हमारे साथ मेहनत की और हमने इंशाल्लाह टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली है। इंशाल्लाह हम OEC के टेस्ट में इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। और शुक्रिया PK एकेडमी और सर का जिन्होंने इतनी मेहनत से कोई यहाँ पे मुझे 20 से 22 गुजरात 20 से 22 दिन हो गए मुझे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैंने सीख ली है। सर का बहुत शुक्रिया, बहुत फ्रेंडली यहाँ पे जो माहौल है और इंशाल्लाह आगे हम ट्राई कर रहे हैं इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अपना नाम बताओ बस। अपना नाम सिटी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफ़ेद अली है फ्राम हाफजाबाद। एक माह हुआ है Created with free version for non-commercial use. ऊंची आवाज में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रजा है, मैं आरिफ वाला से यहाँ PK एकेडमी में कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए आया हूँ। माशाल्लाह मुझे एक महीना हो गया है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। इतनी जल्दी बंदा कोई और ज़बान नहीं सीख सकता जितनी जल्दी मियाँ आबिद साहब ने हमें माशाल्लाह कोरियन ज़बान हम लिखने पढ़ने के काबिल हो गए हैं। कुछ समझ में हमें आ रही है माशाल्लाह, और आगे इंशाल्लाह हम टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप PK एकेडमी का एक बार विज़िट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप ने जैसा सुना है आप सर को वैसा ही पाएंगे इंशाल्लाह। Created with free version for non-commercial use.